चलें जी, अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, 5.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 9, उसके ऊपर हम जो है अब इस वक्त डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें बेसिकली एक f(x) दिया गया है, और उस सबसे पहले ये f(x) हम लिखते हैं कौन सा है। तो हमारा जो f(x) है वो बराबर है 2x³ प्लस ax² माइनस 7a² x माइनस 6a³। से पूछ रहा है क्या x माइनस a और x प्लस a इसके फैक्टर है। तो सिंपल, आप इसके अंदर f(a) पुट कर लें तो वहाँ से पता चलेगा ये फैक्टर है या नहीं। फिर f(-a) पुट करेंगे, f(a) पुट करेंगे तो ये 2a³ बन जाएगा और ये प्लस a³ बन जाएगा, माइनस 7a³ बन जाएगा, माइनस 6a³ बन जाएगा। तो ये जीरो नहीं है, तो एक्स माइनस ए नॉट फैक्टर ऑफ f(x). नाउ वी विल पुट ए टू बी माइनस और एक्स टू बी माइनस ए टू चेक द अदर फैक्टर। This is minus 2a³ plus a³. This will be 7a³ minus 6a³. So this is 8a³ and this is minus 8a³. So this is 0. So this implies x plus a is the factor here. Lekin x minus a is the factor nahin hai. अब आगे वो कह रहा है कि अब जो है ए के टर्म्स में इसको सॉल्व करें पूरे को। तो ना वो, क्योंकि हमें पता है कि एक्स प्लस ए इसका एक फैक्टर है, सो इट बिकम्स इजियर नाउ बिकॉज अब हम 2x³ प्लस ax² माइनस 7a² x माइनस 6a³ को एक्स प्लस ए से अगर डिवाइड कर लें इस पूरे को, तो यहाँ पर एक और फैक्टर बन जाएगा। एक ये लीनियर फैक्टर है, एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। दोनों को जीरो कर लें, वहाँ से तीन रूट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।